हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशा एंड आज मैं आपको 12th क्लास की हिस्ट्री की क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आधे क्वेश्चन करवा दिए थे अभ्यास वाले, अब मैं आगे क्वेश्चन आपको करवाऊंगी अभ्यास की। मैंने आपको फर्स्ट से फिफ्थ क्वेश्चन तक 100 से 150 वर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं वो करवाए थे। आज मैं आपको 500 वर्ड के क्वेश्चन करवाऊंगी। सिर्फ 3 क्वेश्चन ये हैं जो अभ्यास के पीछे एनसीईआरटी बुक के पीछे जो क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको आज डिस्कस करूंगी। तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आपको पेपर में भी वो काम करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े ही आसान भाषा में और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। और इस वीडियो को देखने के लिए या फिर आप 12th क्लास के बच्चे हो या और भी कोई बच्चे, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये हिस्ट्री का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आगे चलते हैं। इतिहास भाग एक, इतिहास की पहली बुक है ईंटें, मन की और अस्थियां। फर्स्ट चैप्टर का नाम है ईंटें, मन की और अस्थियां। उसके क्वेश्चन आंसर हम करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, लघु निबंध मतलब एक निबंध ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखना करना। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है पेपर में 500 वर्ड का, 12th क्लास में, तो लगभग 500 शब्दों में तो बना बना के लिख सकते हैं। पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा था मोहन जोदड़ो के बारे में, मोहन जोदड़ो एक नगरी सभ्यता थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि प्रश्न नंबर जो 6 है बुक के अनुसार, वो क्या है, चलिए पढ़ते हैं उसको। मोहन जोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि जो मोहन जोदड़ो नगरी सभ्यता थी उसकी क्या विशेषताएं रही थी हड़प्पा सभ्यता में, तो ये आपको बताना है। तो मोहन उसका उत्तर क्या होगा, तो हम उसकी विशेषताएं बताएंगे, उसमें अपने क्या क्या देखा, मोहन जोदड़ो में क्या क्या था, क्या नहीं था, पूरी विशेषताएं होंगी। उत्तर है, मोहन जोदड़ो सिंधु के लरकाना जिले में स्थापित था। यानी कि जो मोहनजोदड़ो नगर था वो कहाँ था, सिंधु के लरकाना जिले में। ये मैप में आपको समझ आएगा कि सिंधु कहाँ पे है, सिंधु के लरकाना जिला कहाँ पे है, वहां पर स्थित था मोहनजोदड़ो। फिर आगे चलते हैं। सिंधी भाषा के अनुसार मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों अथवा प्रेतों का टीला। यानी इसका मतलब क्या है कि सिंधी भाषा, यानी कि सिंधु के किनारे स्थित था ना, मैं आपको बताया सिंधु के लरकाना जिले में स्थित था। तो सिंधी भाषा में के अनुसार मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था, मृतकों अथवा प्रेतों का टीला। यानी कि मरे हुए और प्रेत आत्मा जो बोलते हैं ना, आज के टाइम पे बोल देते हैं उनका टीला। यानी कि जैसे खुदाई में मिला है कि गड्ढों में रहते थे, गड्ढे में वो सब मिले हैं, शवों के साथ बर्तन मिले हैं, मृदवाण मिले हैं, आभूषण मिले हैं, तो इसीलिए इसको यही नाम से नाम कहने लगे कि मृतक और प्रेतों का टीला। यहाँ पर मृतक और प्रेत आत्मा प्रेतों का टीला हमें स्वर्गों में मिले हैं। तो क्योंकि आप पता है बहुत साल पुरानी ये सभ्यता है, हजार साल पुरानी, तो हमें उसमें क्या मिलेंगे, अवशेष ही मिलेंगे, मरे हुए लोगों के हड्डियां वड्डियां मिलेंगी, इसलिए मृतक का टीला बोल रहे हैं, प्रेतों का टीला। यह नाम यह नाम मोहनजोदड़ो के पतन के बाद इसे दिया गया था। यानी कि यह नाम मोहनजोदड़ो के बाद, मोहनजोदड़ो नगरी सभ्यता थी ना, इसके बाद इसको यह नाम दिया गया। तो ये थोड़ी तिरछी लाइन होगी, इसको मैं रेस कर देती हूँ, दोबारा से लगा देती हूँ नेक्स्ट लाइन को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो क्या था ये, यह नाम यानी कि मोहन, वो जो मृतकों का टीला होता है, यह नाम मोहनजोदड़ो के पतन के बाद इसे दिया गया था। कब दिया गया था, मोहनजोदड़ो का जब पतन हो गया था, मतलब नष्ट हो गया था मोहनजोदड़ो नगर,
उसके बाद इसे इनाम दिया गया था क्योंकि मृतक मतलब मरे हुए अवशेष मिले हैं, प्लेटो का टीलस के नाम दिया गया होगा। 5000 वर्ष पहले यह एक विकसित शहर था, यानी कि 5000 इसका टाइम पीरियड क्या है, 5000 वर्ष पहले यह विकसित शहर था। यह 7 बार स्थापित होकर, 7 टाइम्स स्थापित होकर पुनः नष्ट हुआ, 7 बार इसको बना विकसित हुआ फिर नष्ट हो गया। इस पूरा स्थल की खोज हड़प्पा के बाद ही हुई थी। कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के बाद। पहले हड़प्पा की हुई होगी पूरा स्थल, मतलब हड़प्पा को खोला गया होगा, हड़प्पा जगह को, उसके बाद मोहनजोदड़ो को, ठीक है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक अनोखा पक्ष शहरी केंद्रों का विकास था। तो हड़प्पा सभ्यता का क्या था अनोखा पक्ष, मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता में क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, शहरी केंद्रों का विकास, यानी शहरी रूप से जो केंद्र थी ना, जगह थी, वो इम्पोर्टेंट थी। ऐसे ही केंद्रों में एक महत्वपूर्ण केंद्र था जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा शहर जो थे ना, कुछ पॉइंट आते हैं हड़प्पा के कौन कौन से जगह के नाम है, मैप्स में भी आता है, इम्पोर्टेंट आता है, उसमें एक था मोहनजोदड़ो, जैसे राखी गढ़ी, काली गंगा और ऐसे ऐसे नाम है मैप्स में बोल देंगे। इसकी खुदाई से निम्नलिखित विशेषता प्रकट होती है, यानी कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से बहुत सारी विशेषता प्रकट होती है। इसका सुनियोजित नगर क्या था? सुनियोजित नगर। तो चलिए चलते आगे। नंबर 1 है मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर। क्या था? मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था, बहुत बड़ा, जो 125 हेक्टेयर, बीच में ऐसे प्रिंट आउट में आ गया है, मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था जो 125 हेक्टेयर फैला हुआ था इस जमीन को, आप उसको फैला लिखा। यह शहर 2 भागों में विभक्त था। शहर के पश्चिम में क्या था? दुर्ग था या किला था, और पूर्व में नीचे एक नगर बसा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था, बहुत बड़ा शहर था जो 125 हेक्टेयर फैला हुआ था। यह शहर 2 भागों में बटा हुआ था, एक था पश्चिम में दुर्ग, दुर्ग या किला बोलते थे, और पूर्व में नीचे एक नगर बसा हुआ था, वही हम बोलते हैं दुर्ग, और निचला आवास जहाँ पे रहते थे लोग, 2 भागों में बटा हुआ था शहर। दुर्ग में 7 दिन सभाएं होती थी, बताया था मैंने आपको बुक में, और निचले शहर में आवासीय स्थल होता था जहाँ पे रहते थे। सेकेंड पॉइंट आता है इसका, दुर्ग की संरचनाएं कच्ची ईंटों के ऊंचे चबूतरों पर बनाई गई थी। मैंने आपको बताया था, उसमें डायग्राम बना के बताया था जब हमने लेसन पढ़ा था, कि दुर्ग कैसे बना हुआ था, कच्ची ईंटों के ऊंचे चबूतरों पर बना हुआ था। इससे बड़े बड़े भवन थे, इसमें बड़े बड़े भवन थे जो संभवतः प्रशासनिक अथवा धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे, यानी कि दुर्ग में आपको बताया सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक कार्य होते थे, अनुष्ठान होते थे, जो भी होता था दुर्ग में होते थे। दुर्ग के चारों ओर ईंटों की दीवार थी, ऐसी थी ईंटों की दीवार जो दुर्ग को नीचे शहर से अलग करती थी। दुर्ग में शासक और शासक वर्ग से संबंधित लोग रहते थे। इसका क्या अर्थ हुआ? दुर्ग के चारों ओर ईंटों की दीवार थी, जो दुर्ग बना हुआ था सार्वजनिक जगह थी, सार्वजनिक काम होते थे वहां पे, उसमें वो कैसे बना हुआ था, चारों ओर ईंटों की दीवार थी उसमें, जो दुर्ग को निचले शहर से अलग करती थी। जब दुर्ग था 2 भागों में डिवाइड था, एक तो दुर्ग, एक निचला शहर। निचला शहर में क्या होता था, रहने के काम में लेते थे ये लोग, आवास का स्थल था, तो दुर्ग को नीचे शहर, निचले शहर से अलग करती थी। दुर्ग की जो दीवारें होती थी ना, चारों ओर ईंटों की दीवार थी, वो निचले आवास को उससे अलग कर देती थी। दुर्ग में शासक और शासक वर्ग से संबंधित लोग रहते थे। मैंने आपको बताया कि अनुष्ठान, प्रशासनिक कार्य, सार्वजनिक सभा के लिए होता था, तो ये काम किसमें होंगे? दुर्ग में शासक लोग ही तो करेंगे यहाँ पे काम, तो सार्वजनिक काम ही तो करते हैं। दुर्ग में शासक, शासक वर्ग से संबंधित लोग रहते थे। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है इसका, कि निचले शहर का क्षेत्र दुर्ग की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा था। निचले शहर का क्षेत्र यानी कि दुर्ग से की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा था। निचला शहर वही होता है जहाँ पे रहते थे, वो दुर्ग से की अपेक्षा बड़ा था क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसमें रिहायशी क्षेत्र होते थे जिसमें सामान्य जन अर्थात शिल्पी आदि रहते थे।
निचले शहर के चारों ओर भी दीवार बनाई गई थी। निचले शहर में अनेक भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। इसका क्या अर्थ हुआ? निचला शहर का क्षेत्र दुर्ग की अपेक्षा अधिक बड़ा था। वही बात है कि जो दुर्ग था, जो निचला शहर था, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुर्ग से बड़ा था। इसमें रिहायशी क्षेत्र होते थे जिसमें सामान्य जन अथवा अर्थात शिल्पी आदि रहते थे। तो कौन रहते थे निचले शहर में? रिहायशी क्षेत्र होते थे ना यहाँ पे, इसमें कौन रहते थे? शिल्पी रहते हैं, जो काम करने वाले थे, शिल्पकार होते हैं, जो सामान्य जन नॉर्मल लोग रहते थे। निचले शहर के चारों ओर भी दीवार बनाई गई थी, जैसे कि दुर्ग में बनाई गई थी चारों ओर दीवारें, ऐसे ही निचले शहर में बनाई गई थी। निचले शहर में अनेक भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। निचले शहर में क्या होता था? अनेक भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, यानी नींव का काम करते थे चबूतरे में बताया था उसमें। नगर में प्रवेश करने के लिए परकोटे अर्थात बाहरी, गलत हो गया थोड़ा, अभी प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ी हो जाती है, और कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, दोबारा से लाइन कर देती हूँ ताकि आपको आराम से समझने में दिक्कत ना हो। इस पॉइंट नगर में प्रवेश करने के लिए परकोटे अर्थात बाहरी चारदीवारी में कई बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। नगर में प्रवेश करने के लिए, यानी परकोटे मतलब क्या होता है, अर्थात बाहरी चार दीवारी में कई बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। नगर जो था ना, निचला शहर नगर में क्या होता था कि बाहरी चार दीवारी के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, मतलब चारों तरफ से एंट्री होती थी, चार द्वार होते थे जहाँ से बाहर से एंट्री होने की जगह होती थी, चार चार उसके गेट बने हुए थे। बाहरी चार दीवारी में बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, कई प्रवेश द्वार थे, रिपोर्टिंग हुई होता है प्रवेश द्वार। नगर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवेश करने के लिए आंतरिक चार दीवारी में प्रवेश द्वार थे। नगर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवेश करने के लिए आंतरिक चार दीवारी में प्रवेश द्वार थे, यानी एक नगर से दूसरे नगर में प्रवेश करने के लिए एक इंटरनल चार दीवारी प्रवेश द्वार थे, यानी कि पता न चले किसको इस नगर से उस नगर में जा रहे हैं। और क्या था? नगर में अलग अलग दिशाओं में ऊंची दीवार से घिरे हुए सेक्टर थे। प्राय सभी बड़े मकानों में रसोईघर, स्नानाघर, शौचालय और घर होते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था दर्शन पढ़ते हुए कि प्राय सभी मकानों में क्या होते थे, रसोई घर तो होते ही थे, चारों तरफ आपको पता है कमरे होते थे, बीच में रसोई होती थी और एक आंगन होता था। रसोई घर होती थी एक तो, स्नानाघर होते थे बड़े बड़े विशाल स्नानाघर, और शौचालय होते थे और कुएं होते थे। सभी बड़े मकानों का नक्शा लगभग एक जैसा था, वही मैंने बताया चारों तरफ कमरे, आंगन, रसोई और प्रवेश द्वार, कुछ तो आंतरिक कमरा नहीं दिखाई देता था, एक चौरस आंगन होता था और चारों तरफ कई कमरे होते थे। नाइन पॉइंट आता है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां प्राय सड़क की ओर नहीं खुलते थे, यानी कि घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर नहीं खुलते थे, यानी मैंने आपको बताया था कि आंतरिक कमरा दिखाई नहीं देता था, बताया ना मैंने आपको, घरों के जो एंट्री होती थी ना, दरवाजे होते थे, खिड़कियां प्राय सड़क की ओर, सड़क की तरफ नहीं दिखाई देता था कि बाहर का लोग दिखाई नहीं, ऐसा नहीं होता। बड़े घरों के सामने के दरवाजे के चारों ओर कमरा अर्थात पोल बना दिया जाता था, ताकि सामने के मुख्य द्वार से घर के अंदर टांग झांक न की जा सके। वही वाली बात है कि वो बड़े घरों के सामने के दरवाजे के चारों ओर कमरे बने होते थे। जो बड़े घर होते थे उसमें क्या होता था, सामने के दरवाजे के चारों ओर एक कमरा अर्थात पोल बना दिया जाता था, ताकि सामने के मुख्य द्वार से घर के अंदर ताक झांक की जा सके। एक पोल टाइप का बना दिया जाता था एक कमरा का, ताकि अंदर का जो और भी कमरे दिखे ना सामने दिखाई दे रही, मतलब सामने एंट्री में ना पड़े, ताकि कोई ताक झांक कर सके, इसलिए बनाया गया। आगे चलते हैं, अब क्या आ गए, नेक्स्ट पॉइंट है सुव्यवस्थित सड़कें एवं नाले, इसके बारे में पता करते हैं क्या था ये। अब मैं थोड़ा छोटा लेती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही मोटा मोटा हो रहा है ना। सुव्यवस्थित सड़कें एवं नाले, मतलब सड़कें नाले पता है सुनियोजित ढंग से बनाई गई थी, प्रॉपर प्लानिंग से बनाई गई थी, तो उसका फर्स्ट पॉइंट पढ़िए। उसके बारे में मोहनजोदड़ो की महत्वपूर्ण विशेषताएं, इसकी
सुव्यवस्थित सड़कें एवं नालियां थी, यानी कि मोहनजोदड़ो की जो विशेषताएं थी ना वो क्या थी, इसमें क्या इम्पोर्टेंट था, सुव्यवस्थित सड़कें एवं नालियां थी मोहनजोदड़ो में, मतलब एक प्रॉपर प्री प्लानिंग से ही ये लोग सड़कें और नालियां इन्हें बना रखी थी। जैसे हम कहीं घर में रहते हैं तो हम क्या सोचते हैं, पहले हमें एक घर चाहिए तो उसके आसपास हमें एक डेली बेसिस की सुविधाएं होनी चाहिए, आपको डेली नीड्स क्या होती है, एक तो शौचालय होना चाहिए, घर के पास नालियाँ होनी चाहिए, गंदा पानी बाहर जाए नाली में जाए, सीवेज का पानी कहाँ जाएगा, और पानी पीने का आता है नहीं आता, और ये सब चीज़ें हम देखते हैं, हवा साफ है या नहीं है, खिड़कियाँ है या नहीं है, इस चीज़ें हम देख के ही, और बड़े नाले बने होते थे पहले, हौदियाँ बनी होती थी। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ बिछी होती थी। सड़की कैसे होती थी, पूर्व से पश्चिम और दक्षिण उत्तर से दक्षिण की तरफ बिछी होती थी। आगे चलते हैं, और नगर को अनेक खंडों में विभक्त करती थी, यानी कि जो सड़कें होती थी ना क्या होती थी, पूर्व से पश्चिम की दिशा बताई गई है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ बिछी होती थी जो क्या थी सड़कें, और नगर को अनेक खंडों में बांटती थी। तो सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया जाता था कि स्वयं हवा से ही उनकी सफाई होती रहती थी। सड़कें ऐसी बनाई गई थी, इस तरह से निर्माण किया गया सड़कों का कि जो अपने आप जो हवा आती थी ना, जो प्राकृतिक जो हवा आती है उसी से सफाई हो जाए, ऐसी बनाई जाती थी सड़कें। आजकल क्या है, कूड़ा वहीं का वहीं पड़ा रहता है, गंदगी पड़ी है तो बहुत टाइम तक पड़ी है, बीमारियां और अलग से होती है, पहले ऐसी सड़कें बनाई जाती थी कि हवा से ही सारी सड़कें साफ हो जाए, अगर कोई कर्मी नहीं रहा तो। थर्ड पॉइंट आता है इसका, मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई 13.5 फुट से 33 फुट तक थी, प्राय नालियां प्राय 9 फुट से 12 फुट तक चौड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई जो होती थी वो क्या होती थी, 13.5 फुट से 33 फुट की तक थी, क्या थी सड़कों की चौड़ाई, और नालियां क्या होती थी, प्राय 9 फुट से 12 फुट तक चौड़ी होती थी। ये आप थोड़ा सा याद कर लेना, याद करने वाली कैसी होती है। और क्या बात है, नालियां पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी हुई होती थी, उनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि ताकि आवश्यकता अनुसार नालियों की सफाई की जा सके। इसका क्या मतलब है, नालियां पक्की ईंटों की बनी होती थी और ढकी होती थी ताकि जब सफाई करनी हो तो उसे ढकी होती थी ना कवर से, मतलब ढक्कन से, ढक्कन को हटा के और टाइम टाइम पर सफाई भी की जा सकती। फिफ्थ पॉइंट है, मल जल की निकासी के लिए मुख्य कनालों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आयताकार होदिया बनी होती थी। पहले टाइम पे क्या होती थी, होदी होती थी, होदी क्या होता पानी भर के शेर करके रखते थे, उसके अंदर चौदह साइड की होदी होती थी, पानी भर के रखते थे उसके अंदर, तो जल मल निकास के लिए मुख्य कनालों पर थोड़ी छोटी दूरी पर आयताकार होड़ी बनी होती थी, यानी जल मल निकास में थूकने हम लोग पेस्ट करते हैं, थूकते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, उसका पानी कहाँ जाए, होदी में जाए, तो होदिया बनी होती थी। और होदिया ये तो जल मल निकास के लिए हो गई, और एक होदिया ऐसी भी होती थी घर में लोग बनाते थे कि पीने का पानी रख लें होदी में, मतलब साफ पानी एकदम नहाने के लिए हो गया, ऐसे भी करते थे लोग, तो ये तो जनरल निकास का पानी होदी में जाए, ये उसके लिए हो गई होगी, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी दूरी पर होगी थी आयताकार होगी। चलिए सिक्स पॉइंट चलते हैं, एक टोडा में मेहराबदार नाला संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाता था। तो एक टोडा मेहराबदार क्या लिखा है, एक टोडा मेहराबदार नाला होता था जिसका नाम है टोडा मेहराबदार नाला, संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाता था, सारे गंदे पानी संपूर्ण पूरा नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाता था, ये जो बड़ा सा नाला होता था इसका नाम था टोडा मेहराबदार। अब आगे चलते हैं, विशाल स्नानागर अन्नागार और एवं भवन, यानी कि विशाल स्नानागार, बड़े बड़े जो स्नानागार होते थे वो किस काम आते थे, नहाने वाने के काम आते होंगे, और अन्नगार होते थे जहाँ पे अन्न को सेव करके रखा जाता था, गेहूँ चावल जो सेव करके रखते थे, और भवन
तो अंधकार मतलब ये लगता है कि उस टाइम पे शायद राजा वाजा जो होते थे ना कुछ खाना देते होंगे, मतलब खाने का मतलब ये गेहूं वेहूं देते होंगे, कुछ अन्न देते होंगे ताकि कुछ टाइम के लिए वो उनका प्रयोग कर सके, मतलब एक टाइम टाइम लिमिट देते होंगे कि इस टाइम तक आपको ये अंग प्रयोग में लाना है, तो वो सेव करके रखते थे अंग को। और भवन तो अभी मैंने बता दिया घर कैसे होते थे। मोहन फर्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, मोहन जोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन स्नान घर है। अब भवन में क्या आता है, मोहनजोदड़ो का सबसे इम्पोर्टेंट भवन सार्वजनिक भवन क्या होता है, स्नान घर, विशाल स्नान घर, जहाँ की सब लोग मतलब बड़ी संख्या में नहाते थे, यानी बाहर से आने वाले राहगीर भी नहाते थे, विशाल स्नान घर होता है सार्वजनिक। सबसे महत्वपूर्ण चीज की है मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या था, सार्वजनिक भवन स्नान घर है। सार्वजनिक भवन में मतलब यहाँ पे सब लोग ठहर सकते थे, बाहर के लोग भी सार्वजनिक रूप से और नहा भी सकते थे, स्नान कर भी थे। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में है, उत्तम कोटि की पकी ईंटों से बना स्नान घर कला स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। उत्तम कोटि की पकी ईंटों से बना क्या था, स्नान घर था, वो स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है, यानी कि ईंटों से बना था जो स्नान घर था वो क्या था, बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से बड़ी क्वालिटी से बनाया गया था, स्थापत्य मतलब क्रिएटिविटी से बनाया गया था, आर्किटेक्ट ने बनाया था। इस संरचना स्नान घर बड़े आर्किटेक्ट तरीके से बनाया गया था उस टाइम पे, बहुत ही अच्छी तरीके से। आगे चलते, इस संरचना के अनोखेपन तथा मतलब जो बनाया था इतने अच्छे तरीके से क्रिएटिव ढंग से स्नान घर, इस संरचना के अनोखेपन तथा दुर्ग तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से ऐसा लगता है कि इसका प्रयोग धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता होगा, जो आज भी भारतीय जन जीवन का आवश्यक अंग है। इसका क्या मतलब है, जो ये संरचना बनाई गई थी क्रिएटिव ढंग से, जो क्या बनाया गया था, स्नान घर बनाया गया था, उसके अनोखेपन मतलब डिफरेंट तरीके से तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाएं के साथ इसके मिलने से ऐसा लगता है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा, यानी कि नहाने के लिए पूजा पाठ करनी है, हवन वन होता है उसमें वो चीज करनी है, तो लोग यहाँ विशाल रूप से नहाने आए, जैसे कि हरिद्वार नहाते हैं, संबंधी स्नान के लिए किया जाता होगा, जो आज भी भारतीय जनजीवन का आवश्यक है, जैसे हरिद्वार में नहाने जाते हैं हम लोग गंगा नदी में, तो ऐसे ही समझ लो आप। थर्ड पॉइंट है, मोहनजोदड़ो की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता दुर्ग में मिलने वाला एक वीएल अन्नागार है। मोहनजोदड़ो की एक अन्य विशेषता क्या है, दुर्ग में मिलने वाला एक वीएल अन्नागार, वही अन्न को सेव करके रखते थे, उसका नाम दिया है वीएल अन्नागार बोला गया है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें ईंटों से बने 27 खंड थे, तो अन्नागार में क्या थे, ईंटों से बने 27 खंड के ब्लॉक्स थे, जिनमें प्रकाश के लिए आड़े पीछे रोशनदान बने हुए थे, यानी कि जो अन्न को शेप करके रखते थे ना, अन्नागार थे जो जगह थी उसमें, इसमें प्रकाश के लिए आड़े पीछे रोशनदान बने हुए थे, वो जैसे वो होता है पोल्ट्री टाइप में नहीं होता, क्या बोलते हैं उसे, स्टोर रूम होता है जहाँ पे अन्न इकट्ठा करके रखते हैं, अब आड़े पीछे रोशनदानी होते हैं कहीं कहीं भी, वहां पे धन तो है नहीं, सिर्फ सामानों को रखना है खाने पीने का, उनको कोई इकट्ठा करके। अन्न भंडार के दक्षिण में ईंटों के चबूतरों की कई कतारें थी, यानी कि अन्न भंडार के दक्षिण में ईंटों की के चबूतरों की कई कतारें थी, वही ईंटों पे रखते होंगे ना गेहूं को इकट्ठा करके। इन चबूतरों में से एक चबूतरे के मध्य भाग में एक बड़ी ओखली का निशान बना हुआ था, इन चबूतरों में क्या था कि मध्य भाग में क्या था, एक अनोखी एक बड़ी ओखली का निशान बना हुआ था, ओखली बनाई हुई होगी उसमें अन्नागार भी रखी होगी, यहाँ पे अन्न को रखते। चलिए आगे चलते हैं, इसका थर्ड पॉइंट आता है, मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में क्या था, विशाल स्नानागार, मैंने आपको बताया कि एक तरफ लंबा भवन था, यानी कि 228x28 फुट मिला है स्नानागार, इतना बड़ा था,
इतिहासकारों के मतानुसार, इतिहासकारों के जो मत दिया है, मतलब अपना जो विचार प्रकट किए हैं, क्या किए हैं, यह भवन किसी बड़े उच्च अधिकारी का निवास स्थान रहा होगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो इतिहासकारों ने बताया है ना, उनके इतिहासकारों के अनुसार जो विशाल स्नानाघर है वो क्या होगा, एक बड़े उच्च अधिकारी यानी कोई बड़े बड़े जो लोग होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, उनका निवास स्थान रहा होगा। तभी तो वहां पे सार्वजनिक रूप से क्या है, स्नान की जगह है, वहां पे सार्वजनिक रूप से लोग नहा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण भवनों में एक सभा कक्ष भी था। महत्वपूर्ण भवन एक सभा कक्ष मतलब जहाँ पे सभाएं होती थी, इसका मतलब यह है कि बड़े उच्च अधिकारी ही रहते होंगे शायद वहां पे, जिसमें क्या था, पांच पांच ईंटों की ऊंचाई की चार चबूतरों की पंक्ति थी। यानी कि इसमें क्या था, पांच पांच ईंटों की ऊंचाई की चार चबूतरों की पंक्ति थी, मतलब पांच पांच ईंटों की उसका चबूतरा बनाया गया था, इतनी ऊंचाई पर बनाया गया था। ये ऊंचे चबूतरे ईंटों के बने थे और उन पर लकड़ी के खंभे खड़े किए गए थे। तो ये ऊंचे चबूतरे क्या थे, ईंटों के बने हुए थे और उन पर लकड़ी के खंभे खड़े थे। जिसके इसके पश्चिम की ओर कमरों की एक कतार में एक पुरुष की प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में पाई गई है। यानी कि जो पहले ईंटों के तो चबूतरे बने हुए थे और चबूतरों पे क्या होता था, लकड़ी के खंभे खड़े किए गए थे। इसके पश्चिम की ओर क्या था, कमरा था कि एक कतार में एक पुरुष की प्रतिमा बनी हुई थी, पुरुष की एक मतलब मूर्ति बनी हुई थी। तो कैसी बनी हुई है, बैठी हुई मुद्रा में पाई गई है, प्रतिमा क्या, बैठी हुई मुद्रा में। ध्यान में जो बैठते हैं ना लोग, तो ध्यान में बैठा हुआ है वो आदमी, इस तरीके से वो उस आदमी की प्रतिमा है, मतलब वो है मूर्ति है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, कुशल एवं व्यवस्थित नागरिक प्रबंध। इसका क्या मतलब है, कुशल मतलब बहुत ही, मतलब कुशल मतलब होता है कि स्किल इसको बहुत ज्यादा अच्छे से आती है, कोई भी स्किल, कुशल एवं व्यवस्थित नागरिक प्रबंध। तो व्यवस्थित मतलब प्रॉपर प्लानिंग से नागरिक का प्रबंध कैसे होता था। तो यानी कि इसका आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो का जो नागरिक प्रबंध था, जहाँ पे लोग रहते थे, अत्यधिक कुशल एवं व्यवस्थित था। यद्यपि यह कहना कठिन है कि हड़प्पा सभ्यता के शासक, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको मैं रेस कर देती हूँ, तिरछी लाइट हो गई जरा, हो गया, चलिए रेड वाली लाइट ले लेती हूँ। तो यानी कि क्या था, यद्यपि यह कहना कठिन है कि हड़प्पा सभ्यता के शासक कौन थे, संभव है कि वे राजा नहीं होंगे या पुरोहित अथवा व्यापारी। तो चलिए इसको समझते हैं, तो कुशल और एवं व्यवस्थित नागरिक प्रबंध क्या था, मतलब एक स्किल टाइप में बहुत अच्छा सा बनाया हुआ नागरिक वहां पे रह सकते थे। तो वो कैसा था, क्या चीज थी, तो मोहन जोदड़ो का जो नागरिक प्रबंध था, यहाँ पे लोग रहते थे, नागरिक का प्रबंध किया गया था, लोगों का प्रबंध किया गया था, यदि कुशल एवं व्यवस्थित था, वही प्रॉपर प्लानिंग से बनाया गया था। यद्यपि यह कहना कठिन है कि हड़प्पा सभ्यता के शासक कौन है, ये तो पता नहीं चल सकता ना कि शासक कौन है, संभव है कि वे राजा ही होंगे या पुरोहित होंगे या व्यापारी होंगे। कांस्यकालीन सभ्यताओं में आर्थिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक इकाइयों में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। यानी कि कांस्यकालीन सभ्यता बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता को, तो जो क्योंकि वहां पे कांस्य की चीज मिली है ना, हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो में, इसलिए कांस्यकालीन सभ्यता हम कह देते हैं। तो कांस्यकालीन सभ्यताओं में आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक इकाइयों में कोई स्पष्ट भेद नहीं था, एक ही व्यक्ति प्रधान पुरोहित भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता है एक ही व्यक्ति पुरोहित रहा हो, ये कह सकते हैं ना, तो अंदाजे से ही बोल सकते हैं। तो यानी कि
फैक्चुअल चीज हो गई, इतिहास का भी अंदाजा लगा के ही इतिहास का पता लगाते हैं, क्योंकि अब तो वो लोग जिंदा है नहीं, वो सभ्यता है नहीं, तो हम प्रमाणों से, साक्ष्यों से, स्रोतों से, इन सब चीजों से इतिहास का पता लगाते हैं। चल आगे चलते हैं। राजा भी हो सकता था और धनी व्यापारी भी हो सकता था, जैसे कि किंतु इतना अवश्य कि बड़ी छोटी डोटे ढूंढना मुश्किल है। हाँ मिल गया। किंतु इतना अवश्य कि मोहनजोदड़ो का नागरिक प्रबंध कुशल हाथों में था। तभी तो बड़े अच्छे तरीके से बनाए गए ना हर चीज, घर वगैरह, स्नानाघर, ये कुशल नागरिक के हाथों में हुआ ये कार्य। प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। सुनियोजित नगर सफाई और कहा चला गया ये, चलिए चलते आगे। तो सुनियोजित नगर सफाई और जल निकास की उत्तम व्यवस्था, अच्छी सड़कें, यात्री रात्रि के समय प्रकाश की व्यवस्था, यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों की व्यवस्था, उन्नत व्यापार मापतोल के एक रूप मानक, सांस्कृतिक विकास, विकसित उद्योग धंधे, संपन्नता आदि, इसी आदि सभी इसके प्रबल प्रमाण है। इसका क्या मतलब है? सुनियोजित नगर मतलब प्रॉपर तरीके से घर बनाए गए थे, सफाई और जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी। जैसे कि कोई पानी एक होदी में जाता था, जल निकास का पानी, सफाई बड़े अच्छे से ढंग से होती थी कि जो प्राकृतिक हवा से ही स्वयं अपने आप ही सफाई हो जाए, इस तरीके से सड़कें बनाई गई थी। तो अच्छी सड़कें बनाई गई थी, रात्रि के समय प्रकाश की व्यवस्था थी, रात को अंधेरा नहीं रहता था, लाइट की व्यवस्था थी, यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों की व्यवस्था थी। यात्री रुके तो वो एक जगह पे रुक जाए, मतलब एक कमरा वगैरह पर सराय बोलते हैं, यहाँ पे राहगीर रुकते थे। उन्नत व्यापार था, माप तोल के एक रूप मानक थे, वही बाट वगैरह। सांस्कृतिक विकास था, अच्छा था। विकसित उद्योग धंधे थे, वही हमने देखा था पॉट वगैरह फ्यांस के, तो विकसित उद्योग धंधे थे। संपन्नता थी, संपन्न लोग थे आदि, इसी प्रबल प्रमाण, इसके प्रमाण प्रबल प्रमाण है। तो आगे चलते हैं, अब 7 पॉइंट पे आ गए हम। 6 पॉइंट हमारा कम्प्लीट, 6 हमारा प्रश्न जो है कम्प्लीट हो गया। क्या हो रहा है? तो प्रश्न 7 क्या है? हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए और चर्चा कीजिए ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन, यानी कि व्यापार कैसा होता था, मतलब स्किल कैसे कैसे थी लोगों का, उसका उत्पादन कैसे करते थे लोग। तो आवश्यक कच्चे माल की सूची बनानी, कैसे कैसे करते थे, और चर्चा करनी है कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे। तो इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की शिल्प, ये थोड़ा सा मोटी लाइन हो गई, इसको पतला कर लेती हूँ। मेरा चलिए शुरू करते हैं 7 क्वेश्चन का आंसर। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की शिल्प तथा उद्योग संबंधी प्रतिमा उच्च कोटि की थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की शिल्प कला थी ना, और उद्योग संबंधी प्रतिभा थी वो उच्च कोटि की थी, यानी कि शिल्प का व्यापार, उद्योग धंधे वो बड़े उच्च कोटि के करते थे। मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, अब कौन कौन सा काम करते थे शिल्प में ये बताया गया है। कहाँ चला गया? तो बहुत ढूंढना बड़ा मुश्किल है। औजार एवं हथियार बनाना, सूत एवं उनकी कटाई, बुनाई, रंगाई, आभूषण बनाना, मनके बनाना, लकड़ी का सामान, विशेष रूप से कृषि संबंधी उपकरण, बैलगाड़ी, नौकाएं बनाना इत्यादि महत्वपूर्ण व्यवसाय थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की शिल्प थी और उद्योग संबंधी प्रतिभा थी वो उच्च कोटि की थी। ये मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना,
मूर्तियां, औजार बनाना, हथियार बनाना, सूत एवं ऊन की कटाई करना, बुनाई एवं रंगाई करना, आभूषण बनाना, मनके बनाना, लकड़ी का सामान, विशेष रूप से कृषि संबंधी उपकरण बनाना, बैलगाड़ी हो गई, नौका युति नाव वाली, वो बनाना, तो ये थे आदि उनके महत्वपूर्ण व्यवसाय थे शिल्प के। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट आदि शिल्प उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र। यहाँ पे शिल्प उत्पादन होते थे, कौन से केंद्र थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, ये मैप में आप देख सकते हो जगह के नाम है, लोथल, धोलावीरा इंपॉर्टेंट नाम है, नागेश्वर, बालाकोट आदि शिल्प उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र। यहाँ पे शिल्प का व्यापार वगैरह होता था। चहुंदड़ो की छोटी सी बस्ती 60 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित थी, लगभग पूरी जगह शिल्प उत्पादन में लगी हुई थी। चहुंदड़ो की छोटी सी बस्ती थी वो क्या थी? लगभग पूरी तरह शिल्प उत्पादन में लगी हुई थी। अब उसके बाद क्या आता है? शिल्प उत्पादन, शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल, शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल, इसमें क्या आता है? कच्चा माल कहाँ से मिलता था? तो विभिन्न प्रकार के शिल्प उत्पादन उत्पादों के लिए अनेक प्रकार के कच्चा माल की आवश्यकता होती थी, यानी कि विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य करने के लिए अनेक प्रकार के कच्चे माल की जरूरत होती थी। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी की जरूरत होती थी और पक्की मिट्टी की जरूरत होती थी, तांबा, टीन, कांसा, सोना, चांदी, शंख, सीपियां, कौड़ियां, विभिन्न प्रकार के पत्थर, अकीक, नीलम, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेल खड़ी। तो उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी की चाहिए होती थी कच्चे माल के लिए, पकी मिट्टी होती जिससे हम शिल्प कर सके, तांबा चाहिए होता था, टीन, कांसा, सोना, चांदी, शंख, सीपियां, कौड़ियां, कौड़ियों में मोती होते हैं ना, विभिन्न प्रकार के पत्थर चाहिए होते हैं, जैसे कि पत्थर कौन से? अकीक, नीलम के पत्थर, स्फटिक, कॉज, सेल खड़ी आदि। मिट्टी के बर्तन, सुइयां, फ्यांस, तकलियां, मनके, सुगंधित पदार्थ, कपास, सूत, ऊन, विभिन्न प्रकार की लकड़ियां, हड्डियां और घिसाई, पॉलिश के लिए पॉलिश और छेद करने के लिए औजार आदि विभिन्न उत्पादनों के लिए आवश्यक थे। यानी शिल्प करने के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता था, मतलब बताया वो चिकनी मिट्टी, पकी मिट्टी, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, शंख, सीपियां, कौड़िया, विभिन्न प्रकार के पत्थर, कौन कौन से पत्थर? अकीक, नीलम, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सील खड़ी आदि। मिट्टी के बर्तन, सुइयां, फ्यांस, तकलियां, मन के सुगंधित पदार्थ, कपास, सूत, ऊन, विभिन्न प्रकार की लकड़ियां, घिसाई और हड्डियां, घिसाई, पॉलिश और छेद करने के लिए औजार आदि विभिन्न शिल्प उत्पादनों के लिए आवश्यक थे। इससे शिल्प का काम होता था, ये सामान कच्चा माल के रूप में प्रयोग में आता था। तो अब नेक्स्ट आता है कि कच्चा माल प्राप्त करने की शुरुआत, कच्चा माल कैसे प्राप्त होता था, अब ये बताना है। तो कच्चा माल कैसे प्राप्त होता था? तो विभिन्न शिल्प उत्पादों के लिए आवश्यक कच्चा माल अनेक उपायों से प्राप्त किया जाता था। कैसे प्राप्त किया जाता था? अनेक उपाय होते थे। कुछ कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध था, यानी कि बड़े स्तर पर, किंतु कुछ जलोढ़क मैदान के बाहर से मंगवाना पड़ता था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प उत्पादनों के लिए उपमहाद्वीप और बाहर से कच्चा माल अनेक उपाय द्वारा प्राप्त किया था। ये लाइन को थोड़ा सा ये लाने के लिए, ये डॉट्स को थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे नीचे ऊपर करने के लिए, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग थे शिल्प उत्पादनों के लिए उपमहाद्वीप और बाहर से कच्चा माल अनेक उपायों से प्राप्त करते थे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये इसके पॉइंट है, 500 वर्ड का तो बड़ा दूर हो गई, तो मैं इसको जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ ताकि बहुत टाइम ना लगे। वस्त्र निर्माण के लिए सूत कपास से प्राप्त किया जाता था। वस्त्र बनाने के लिए होता था सूत कपास से प्राप्त किया जाता था। सूती कपड़ा बनाने के लिए कपास से प्राप्त होता था। कपास की खेती की जाती थी
ऊनी कपड़ों के निर्माण के लिए क्या होता था, ऊन भेड़ों से प्राप्त की जाती थी। ईटो, अब ये सिल्क बनाने के लिए तो होगा ना, तो वस्त्र निर्माण सूती कपड़ा किससे प्राप्त होगा, ऊन से प्राप्त होते थे। ईटो मिट्टी के बर्तन, सेकंड पॉइंट आता है ईटो मिट्टी के बर्तनों, मूर्तियां, मूर्तियों एवं खिलौनों के लिए चिकनी मिट्टी स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाती थी। यानी ईटों के लिए, ईटों और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए और मूर्तियां खिलौने बनाने के लिए चिकनी मिट्टी स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाती थी, मतलब बड़ी मात्रा में लोगों को मिल जाती थी। इसमें क्या कहा मिलती थी, चोलिस्तान यानी पाकिस्तान में और बनावली जो कि हरियाणा में है से मिलने वाले मिट्टी के हल साक्षी हैं, इस बात की मतलब हल मिले हैं कि वहाँ उत्तम कोटि की चिकनी मिट्टी मिलती थी जिससे कि ये खिलौने बना सकते थे और बर्तन बना सकते थे मिट्टी के। अब इसका थर्ड पॉइंट है हड्डियां जो है विभिन्न पशुओं से प्राप्त की जाती थी, जो हड्डियां थी वो विभिन्न विभिन्न पशुओं से प्राप्त की जाती थी। तो मछलियों की हड्डियां, मछुआरों से पशुओं की हड्डियां तथा जंगली पशुओं की हड्डियों शिकारियों से अथवा स्वयं शिकार करके प्राप्त की जाती थी। तो हड्डियां कैसे मिलती थी, पशुओं से प्राप्त की जाती थी, मछलियों की हड्डियों से प्राप्त की जाती थी और मछुआरों से प्राप्त की जाती थी। और पक्षियों की हड्डियां तथा जंगली जानवरों की हड्डियों शिकारियों से अथवा स्वयं शिकार करके भी प्राप्त की जाती थी। अब इसका फोर्थ पॉइंट आता है, अब हड्डियों की बात कर ली, इसका आ गया लकड़ी के हलों, विभिन्न वस्तुओं औजारों एवं उपकरणों के निर्माण के लिए लकड़ी आसपास के जंगलों से प्राप्त की जाती थी। बढ़िया किस्म की लकड़ी कहाँ मिलती थी, मेसोपोटामिया से मंगवाई जाती थी। यानी कि जो लकड़ी के हल होते थे, विभिन्न वस्तुएं होती थी, औजार होते थे, उपकरण होते थे, उनके निर्माण के लिए लकड़ी आसपास के जंगलों से मंगवाई जाती थी। बढ़िया किस्म की लकड़ी मेसोपोटामिया से मंगवाते थे। अब फिर पॉइंट आता है सुगंधित द्रव्यों को बनाने के लिए प्यांस जैसे मूल्यवान पदार्थ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त किए जाते थे। सुगंधित द्रव्यों को बनाने के लिए वो जैसे होता है और वो क्या बोलते हैं इत्र वगैरह होता है ना, सेंट वगैरह होते हैं, उन्हें बनाने के लिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त किए जाते थे मूल्यवान पदार्थ। जैसे फ्यांस भी तो एक मूल्यवान पदार्थ है ना। सिक्स पॉइंट आता है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने उन स्थानों में अपनी बस्तियां स्थापित कर ली थी। अब ये थोड़ा सा लाइन का चक्कर नहीं हो रहा तो जल्दी जल्दी बता रही हूँ। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने उन स्थानों में बड़ी बस्तियां स्थापित कर ली थी जिन जिन स्थानों से आवश्यक कच्चा माल सरलतापूर्वक उपलब्ध हो सकता था। इसका मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वहाँ पे अब लोग रहने लग गए थे जहाँ पे कच्चा माल बहुत बड़ी मात्रा में मिलता था उन्हें, ताकि उन्हें आयात निर्यात में दिक्कत ना आए। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर बालाकोट में जहाँ से शंख सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके सकता था अपनी बस्तियां स्थापित कर ली। यानी कि जहाँ पे शंख बड़ी मात्रा में मिलता था ना वहाँ पे वो रहने लग गया, यानी कि नागेश्वर और बालाकोट में वो स्थानीय रूप से रहने ही शुरू कर दिया उन्होंने, बस्तियां बना ली अपनी। अब सेवन पॉइंट है वे कार्निलियन मन के गुजरात से, शीशा दक्षिण भारत से और लाजवर्द मणियां कश्मीर और अफगानिस्तान से लेते थे। यानी कि मनके कहां से लेते थे, गुजरात से, कॉर्नियस मनके, कॉर्निलियन मनके गुजरात से लेते थे, शीशा लेते थे दक्षिण भारत से और लाजवर्द लेते थे मणियां कश्मीर और अफगानिस्तान से लेते थे। अब एस पॉइंट आ गए कहां कहां से लेते उतारिये उन्होंने सुदूर अफगानिस्तान में शोतुगई में अपनी बस्ती स्थापित कर ली थी, क्योंकि यह स्थान नीले रंग के पत्थर यानी लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट था। तो क्या किया था इन लोगों ने, सुदूर अफगानिस्तान में शोतुगई एक जगह का नाम है, बस्ती स्थापित कर ली थी। क्यों कर ली थी, क्योंकि यह स्थान नीले रंग के पत्थर यानी लाजवर्द मणि ना, नीले रंग का पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत का निकट था, मतलब लाजवर्द मणि वहां बहुत अच्छे से मिल सकता था, इसलिए वहां पर उन्होंने बस्ती स्थापित कर ली शोतुगई में। इसी प्रकार लोथल जो कॉर्निलियन गुजरात में भड़ोच सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात में जो एवं धातु राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित थे, मतलब इन्होंने एक अपनी बस्ती ही बना ली वहां पे, जहाँ पे लोथल जो कॉर्निलियन में था गुजरात में भड़ोच था, सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से था एवं धातु राजस्थान से था के स्रोतों के निकट स्थित था।
अब नाइन्थ पॉइंट आ जाते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग कच्चे माल वाले क्षेत्रों में अभियान भेजकर भी वहां से कच्चा माल प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तो कच्चे माल वाले क्षेत्र, जहाँ कच्चा माल ज्यादा मिलता था वहां पे अभियान करते थे, अभियान भेजकर कि हमें कच्चा माल चाहिए, वहां से कच्चा माल प्राप्त कर लेते थे। इस अभियानों का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना होता था कि हमें चाहिए, तो उससे क्या होता था वो इंटरेक्शन भी कर पाते थे, मतलब बातचीत भी हो जाती, संपर्क भी हो जाता था लोगों से उनका। वे अभियान भेजकर राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र में से तांबा और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त कर लेते थे। अब 10 पॉइंट आता है, हड़प्पाई लोग संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से भी तांबा मंगवाते थे। अभी बता रहे कहाँ कहाँ से चीजें मंगवाते थे कच्चा माल, तो कहाँ से मंगाते थे, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से भी तांबा मंगवाते थे। हड़प्पाई पूरा वस्तुओं और ओमानी तांबे दोनों में निकल के अंशों का मिलना दोनों के साझा उद्भव का परिचायक है। व्यापार संभवतः वस्तु विनिमय के आधार पर किया जाता था, कि वस्तु के आधार पर वे बड़ी बड़ी नावों एवं बैलगाड़ियों पर अपने तैयार माल को पड़ोस के इलाकों में ले जाते थे तथा उनके बदले धातुएं तथा अन्य आवश्यक सामान ले आते थे। इन क्षेत्रों से जब तक मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुओं से ऐसे संपर्कों का संकेत मिलता है, मतलब ये जो चीजें मंगाते थे ना अपना अभियान चला के, तो इससे क्या होता था संपर्क स्थापित करने में आसान मिलती लोगों से। तो ये बताया गया है कि वो नाव हो गई, बैलगाड़ी हो गई, तैयार माल के लिए पड़ोस के इलाकों में ले जाते थे, उनके बदले में धातुए लाते थे, आवश्यक माल ले जाते थे। चलिए आगे चलते हैं, अब आता है एट क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन तक हमारा हो गया, अब आता है एट क्वेश्चन। एट क्वेश्चन क्या है, चर्चा कीजिए कि पुरातात्विक किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते थे, यानी कि जो वो होते थे ना पुरातात्विक जो पुरानी वस्तुओं को ढूंढते थे उसके बारे में पता करते थे, तो अतीत का पुनर्निर्माण कैसे करते थे वो लोग, तो ये बताना है। जैसा कि हम देखते हैं कि विद्वानों को हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, जिसमें आपको बताया कि हड़प्पा में लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका है, तो पुरातात्विक जो होते हैं इतिहासकार होते हैं उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली है लिपि को पढ़ने में, यानी कि लिपि उन्हें समझ में नहीं आई, आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। ऐसे में पुरातात्विदों के लिए पुरावस्तुएं ही हड़प्पा संस्कृति के पुनर्निर्माण में सहायक रही है, तो लिपि तो पढ़ी जा नहीं सकी, अगर लिपि पढ़ी जाती तो बड़ा ही आसान हो जाता सब समझना, लिखा हुआ तो बहुत आसान होता है ना समझने में, ये होता होगा प्रमाणिक रूप से जाते हैं। पर अब क्या करते थे, अब जब पता लिपि पर तो पढ़ी जा नहीं सकी तो जो सामान है ना जो स्रोत है उसी से इतिहास का पता लगाते हैं, तो पुरा वस्तु एवं हड़प्पा संस्कृति के पुनर्निर्माण में सहायक रही है, पूरा वस्तु जो वस्तु होती है उसी से प्राप्त करते हैं जानकारी जो इतिहासकार होते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन से पता लगाते हैं, औजारों से, आभूषण से, धातु मिट्टी और पत्थरों की घरेलू वस्तुएं आदि, इससे भी जानकारी प्रचलती स्रोत है इतिहास के। कुछ अज्वलनशील कपड़ा जो जलता नहीं है, कपड़ा चमड़ा लकड़ी और रस्सी आदि लुप्त हो चुके हैं, तो बहुत टाइम से लुप्त हो गए होंगे। कुछ चीजें ही बची हैं जैसे कि पत्थर, चिकनी मिट्टी, धातु और टेराकोटा आदि, यह महत्वपूर्ण है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब कुछ चीजें बची है जैसे पत्थर चिकनी मिट्टी बची है, धातु बचा है, टेराकोटा आदि बचा हुआ है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शिल्पियों द्वारा कार्य करते हुए कुछ प्रस्तर पिंड और अपूर्ण वस्तुओं को उत्पादन के स्थान, तो थोड़ा गलत हो गया, छोटा छोटा है ना, थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है लाइन को पीछे ही, इसको थोड़ा मैं पहले इरेज करती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। चलिए चलते हैं, तो यानी कि हाँ उत्पादन के स्थान पर काटते या बनाते समय फेंक दिया जाता था, यानी कि क्या बात बताइए, ये बात महत्वपूर्ण है
शिल्पियों द्वारा कार्य करते हुए कुछ प्लस्टर पिंड होते थे और अपूर्ण वस्तुओं को उत्पादन के स्थान पर काटते या बनाते समय फेंक दिया जाता था, जिन्हें उन्हें निर्मित नहीं किया जाता था। कुछ चीजें को हम उन्हें निर्माण में नहीं दे सकते, उनको फेंक दिया जाता था। यही पूरा वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी साबित हुई हैं। कैसे नहीं, तो हमें संस्कृति के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी अधूरी ही प्राप्त होती। पुरातत्वविदों ने उन्हीं परावस्तुओं के आधार पर मानव जाति के क्रमिक विकास को चिन्हित किया है। यानी कि जो चीजें का पता नहीं लगा जाता, हमने फेंक दिया, अब एक एक चीजें मिलेंगी तो उससे क्या होता है, प्रॉपर हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदि में किया जाता है। जो बेकार चीजें होती है उसका प्रयोग किसमें करते हैं, धातु में, मिट्टी में, पत्थर, हड्डियों आदि में किया जाता है। अब क्या आगे बढ़ते हैं। पूरा तत्वविदों ने दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव मौसम और उन तत्कालीन प्रमाणों को माना जो उन्हें आभूषणों और औजारों आदि पर दिखाई दिए। यानी इसका मतलब क्या, कुदरतविद जो होते थे उन्हें दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव किसका माना है, मौसम और उन तत्कालीन कारणों को माना है जो उन्हें आभूषणों से मिले हैं और औजारों से मिले हैं आदि पर दिखाई देता है। मतलब जो पुरातात्विक होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। यानी जो पुरातात्विक होते हैं उसका दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव किस चीज में आता है, मौसम और उन तात्कालिक कारणों को माना जाता है जो उन्हें आभूषण और औजारों आदि पर दिखाई दिए, उससे पता लगाते हैं अतीत का। कहा चली गई अभी डॉट, ये बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। मेरे पुरातात्विक पूरा वस्तुओं की पहचान एक विशेष प्रकार द्वारा करते हैं। ये बार बार मिटाना बहुत दिक्कत है। चलिए चलते हैं आगे। पुरातात्विक पूरा वस्तुओं की पहचान एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया द्वारा करते थे। यानी कि जो पुरातात्विक होते थे, जो इतिहासकार होते थे, जो जिनको पुरानी चीजें मिली है, उनकी पहचान कैसे करते थे, विशेष प्रकार की प्रक्रिया द्वारा करते थे। ये प्रक्रिया क्या थी, जैसे किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच क्या सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं थी। यानी कि कैसे पता लगाते हैं तत्व की, जो किसी संस्कृति में रहने वाले जो लोग होते थे उनके बीच में सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नता कैसी थी। अब मैंने आपको बताया था शवों के द्वारा प्राप्त होती थी जानकारी, है शवाधान के द्वारा और विलासिता की वस्तुओं के द्वारा। तो चलिए इसमें क्या लिखा है, जैसे हड़प्पा सभ्यता कालीन मिश्र के पिरामिडों में कुछ राजकीय समाधान प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। यानी कि वो राजा की होगी शायद सब। पुरातत्वविदों ने कुछ घटनाओं को अनुमानित भी किया है, उदाहरण स्वरूप सॉरी कुछ घटनाएं क्या बताइए पुरातत्वविदों ने। उदाहरण स्वरूप पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई धर्म को अनुमान के आधार पर आंका है, अनुमान ही लगाते हैं हड़प, अर्थात कुछ विद्वान वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ते हैं तो कुछ नीतियां पात्रों के संबंध में पत्थर की चक्कियों के बारे में युक्ति संगत रही है, जो कुछ धार्मिक प्रतीकों के संबंध में शंकाग्रस्त रही, जैसे कई मोहरों पर रुद्र के चित्र अंकित है। इसका क्या मतलब है,
यानी कि जो कुछ विद्वान होते हैं वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ते हैं, तो कुछ नीतियां बातों के संबंध में, कुछ पत्थर की चक्कियों के बारे में युक्ति संगत है कि कुछ धार्मिक प्रतीक के संबंध में शंकाग्रस्त है, कुछ बातें शंका में है, जैसे कि कई मोहरों पर दूध के चित्र अंकित हैं तो किस लिए होंगे। पुरावस्तुओं की उपयोगिता की समझ हमें आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता के आधार पर ही लगाते हैं। अब ये कहाँ चला गया, तो बहुत मुश्किल है इसे ढूंढना की, तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, ये अंडरलाइन करूँ। चलो मिल गया। समानता के आधार पर ही लगाते हैं, यानी कि जो पुरावस्तुओं की जो उपयोगिता की समझ है हमें कैसे मिलती है, आधुनिक समय में आज के जो टाइम में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता के आधार पर लगाते हैं कि यहाँ इसमें सिमिलैरिटी क्या कहती है, ऐसे पता लगाते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ हड़प्पा स्थलों पर मिले कपासों के टुकड़ों के विषय में जानने के लिए हमें प्रत्यक्ष साक्षियों जैसे मूर्तियों के चित्र पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि हड़प्पा स्थलों पर मिले कपास के टुकड़े जो मिले हैं उसके विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है कि मूर्तियों के चित्रों पे क्या क्या बना हुआ है, कैसे बनी हुई है, तथा कुछ वस्तुएं पुरातत्वविदों को अपरिचित लगी होंगी। कुछ वस्तुएं जो पुरातत्विक होती है उन्हें अपरिचित, मतलब जितना उन्हें देखा भी नहीं होगा आज के टाइम पे आधुनिक काल में, क्योंकि मिला के आज के टाइम से पिछले टाइम को मिला कर तो देखते हैं ना कि सिमिलैरिटी है या नहीं है, ये जो बर्तन है ये ऐसा है, जग होता था तो उस टाइम पे जग ही होता होगा। अब कुछ चीजें अपरिचित, मतलब पता ही नहीं ये चीज है क्या, तो बर्तन है क्या, या कोई भी वस्तु है, तो उन्होंने उन्हें धार्मिक महत्व की समझ ली। अब पता नहीं है पुरातत्विकों ये कौन सी वस्तु है, तो उन्हें धार्मिक महत्व की मान ली उन्होंने पुरातत्विकों ने। कुछ मोहरों पर भी अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं और पेड़ पौधों अर्थात प्रकृति की पूजा के संकेत मिले हैं, यानी कि कुछ मोहर पे क्या मिले, पूजा पाठ के दृश्य मिले हैं, पेड़ पौधे मिले हैं अर्थात प्रकृति की पूजा के संकेत मिले हैं, कि प्रकृति ये पूजा करते हैं प्राकृतिक संकेत मिले हैं पूजा के, तथा पत्थर की शंकाकार वस्तुओं के लिंग के रूप में दर्शाया गया है, यानी कि जो पत्थर की शंकाकार वस्तुओं से बनी हुई लिंग के रूप में दर्शाया गया उन्हें। और पुरातत्वविदों ने कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर 39 फिट नीचे मानव जीवन वृत्ति के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। अब कौशाम्बी के निकट चावल और हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कहाँ पे, कौशाम्बी में। लोथल से बाट मिली है, चूड़ियां मिली है, पत्थर के आभूषण भी मिले हैं, और क्या मिला है, काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आकृतियां मिली हैं और अवशेष मिले हैं। पुरातात्विकों ने विभिन्न वैज्ञानिकों की मदद से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पर कार्य किए हैं। हड़प्पा पर कार्य किए हैं कई अवशेष, कई अन्वेषण, व्याख्या और विश्लेषण से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिनमें कुछ असफल भी है, यानी कि कुछ चीजें मिली है ना, तो उससे हम पता लगाते हैं कि आधुनिक समय में ये चीज का प्रयोग होता होगा तो उस टाइम पे भी होता होगा। कुछ चीजें पुरातत्विकों को बिल्कुल ही अलग सी मिली, अपरिचित से, वो परिचित ही नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि अनुष्ठान के लिए होती होगी, प्राकृतिक पूजा करते होंगे तो अनुष्ठान के लिए करते होंगे। तो चलिए आगे चलते, अब 9th क्वेश्चन आता है इसका। पुरातत्विक थोड़ा मोटा ले लेती, बहुत दिक्कत कर रहा था ये छोटा वाला, कि हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा की गई, यानी कि हड़प्पा समाज में जो शासक जो राजा होते थे उनके द्वारा क्या क्या काम किए जाते थे। तो इसका आंसर बताती हूँ मैं। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के विषय में निश्चय पूर्वक कुछ भी कहना कठिन है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो राजनीतिक संगठन थे ना के विषय में कुछ कहना मुश्किल है, मतलब कुछ सही से जानकारी नहीं है। हालांकि
हमें ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा के शासक कौन थे, हमें तो नहीं पता कि हड़प्पा के शासक कौन थे। संभव है वे राजा रहे होंगे, पुरोहित होंगे या फिर व्यापारी होंगे, ये हो सकता है। कांस्यकालीन सभ्यताओं में आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक इकाइयों में कोई स्पष्ट भेद नहीं था, यानी कि कांस्यकालीन जो सभ्यता थी उसमें धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक इकाइयों में कोई भेद नहीं था, मतलब कोई अंतर नहीं था। एक ही व्यक्ति प्रधान पुरोहित भी हो सकता था, राजा भी हो सकता था और धनी व्यापारी भी। हंटर महोदय यहाँ के शासन को जनता, जनतंत्रात्मक शासन मानते थे। जो हंटर महोदय होते थे यहाँ के शासन को क्या मानते थे? जनतंत्रात्मक शासन मानते थे, जहाँ पे जनता के अनुसार काम होता था। जनतंत्र बोलते हैं जिसको, शासक शासक की का के मानने से नहीं होता, जनतंत्र मानते हैं। किंतु पिग्गागाट और वेहलीर के मतानुसार सुमेर और अक्कड़ के समान हड़प्पा में भी पुरोहित राजा शासन करते थे। यानी कि ये जो लोग है ना, पिकॉट, व्हीलर, इनके मत के अनुसार सुमेर एवं अक्कड़ के समान हड़प्पा में भी पुरोहित राजा राज करते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा साम्राज्य पर दो राजधानियों यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से शासन किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट नगर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी कि कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा साम्राज्य पर दो राजधानियां थी, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से शासन किया जाता था। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार संभवतः संपूर्ण क्षेत्र अनेक राज्यों रजवाड़ों में विभक्त था, यानी कुछ विद्वानों ने बताया कि जो संपूर्ण जो क्षेत्र था वो अनेक राज्यों रजवाड़ों में विभक्त था और उनमें ही प्रत्येक की एक अलग राजधानी थी तथा उनमें से प्रत्येक की अलग अलग राजधानी थी। जैसे कि सिंधु में क्या था? मोहनजोदड़ो। पंजाब में क्या था? हड़प्पा। राजस्थान में क्या था? कालीबंगन। और गुजरात में क्या था? लोथल। कुछ अन्य विद्वानों ने के मतानुसार क्या बात है कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक राज्यों का अस्तित्व नहीं था, मतलब वो उसमें कोई अस्तित्व नहीं था। जो मतलब कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार क्या, हड़प्पा सभ्यता के अनेक राज्य थे वो उनका अस्तित्व नहीं था, वहां पे कुछ भी नहीं था, अपितु यह एक राजा के नेतृत्व में एक ही राज्य था। हड़प्पा सभ्यता के शासन का स्वरूप चाहे जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के शासन किसी का भी रहा हो ना रहा हो, पर ये इसमें क्या बात थी निश्चित है, मतलब हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या बात थी कि यहाँ का जो प्रशासन था ना, प्रशासनिक कार्य, वही सड़कें नालियां बड़ी सुनियोजित ढंग से बनाई गई थी, यानी ये प्रशासन का अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्य को किया जाता था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में शासकों द्वारा अनेक काम किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि शासक राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और आक्रमणकारियों से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता था। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो शासक राजा होता था राज्य में शांति को स्थापित करता था, शांति व्यवस्था को बनाए रखता था और आक्रमणकारी जो आक्रमण करने वाले होते थे से अपने राज्य की सुरक्षा प्रदान करता था। हड़प्पा सभ्यता के सुनियोजित नगर जो होते थे, सफाई और जल निकास की उत्तम व्यवस्था, अच्छी सड़कें, उन्नत व्यापार, मापतोल के एकुप मानक, सांस्कृतिक विकास, विकसित उद्योग धंधे, संपन्नता आदि सभी इस तथ्य के प्रबल प्रमाण हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के सुनियोजित ट्रिप प्लानिंग जो नगर होते थे, सफाई के लिए जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी, अच्छी सड़कें थी, उन्नत व्यापार था, मापदोल के मानक थे एक समान एक रूप, सांस्कृतिक विकास था, विकसित उद्योग धंधे थे, संपन्नता थी और आदि सभी इस तथ्य के प्रमाण है कि हड़प्पा के शासक प्रशासनिक कार्यों को भी विशेष रुचि देते थे। पता चलता है कि प्रशासनिक कार्यों को भी विशेष रुचि देते थे राजा होते थे। संभवतः हड़प्पा के शहरों की योजना में भी राज्य का महत्वपूर्ण भाग रहा होगा। इसका मतलब यह कि हड़प्पा के शहरों की योजना में राज्य का भी महत्वपूर्ण भाग रहा होगा। आगे चलते हैं, बहुत लॉन्ग है, 500 वर्ड का तो हो गई। इतिहासकारों का विचार है कि प्राचीन विश्व में जहां जहां नियोजित वस्तुओं के प्रमाण मिले हैं वहां
बात का पता चलता है कि सड़कों की योजना का विकास धीरे धीरे नहीं हुआ हुआ। यानी कि इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन विश्व में जहाँ की नियोजित वस्तुओं का प्रमाण मिले हैं, वहां इस बात से पता चलता है कि सड़कों की योजना का विकास धीरे धीरे तो हुआ नहीं होगा, अपितु क्या है, एक विशेष ऐतिहासिक समय में इसका निर्माण हुआ होगा, एक इतिहास तो लगा होगा उस टाइम। ये थोड़ा गलत हो गया, इसको रेस कर देती हूँ मैं। चलिए आगे चलते हैं। और अनेक विषयों में बस्ती को फिर से बसाने के कारण ऐसा लगता है ऐसा किया गया, यानी अनेक विषयों में बस्ती को फिर से बसाने के कारण ऐसा किया गया होगा, नियोजित ढंग से बनाया गया होगा। इतिहासकारों का विचार है कि हड़प्पा के शहरों की ईंटों का एक जैसा आकार या तो कड़े प्रशासनिक नियंत्रण के कारण होगा, कड़े प्रशासनिक बड़े ही एक रूल्स होते होंगे इसके कारण होगा, या इसलिए कि लोगों को व्यापक पैमाने पर ईंट बनाने के लिए नियुक्त किया गया होगा। यानी या तो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे वहां पे रूल रेगुलेशन होंगे इसलिए बड़ा अच्छे ही प्रशासनिक कार्य होगा, या फिर ईंट बनाने के लिए नियुक्त किया गया होगा, व्यापक पैमाने पर ईंट बनाते होंगे लोग वहां पे। इसी प्रकार हड़प्पा के विभिन्न स्थानों पर एक ही प्रकार की क्या मिली है, तांबे और मिट्टी के बर्तन मिलने से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ये क्यों निष्कर्ष निकालते हैं ऐसा, कि क्योंकि हड़प्पा के विभिन्न स्थानों पर क्या मिले, एक ही प्रकार के तांबे कांस्य और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इससे पता चलता है कि इससे अनुमान ही लगाते हैं लगाया जा सकता है कि विभिन्न नगरों की योजना भी राज्य द्वारा बनाई गई होगी, विभिन्न नगरों की योजना राज्य द्वारा बनाई गई होगी, विभिन्न स्थलों पर सड़कों और नालियों के निर्माण का कार्य भी राज्य ने किया होगा, सड़कों का नालियों का कार्य भी राज्य ने किया होगा। उल्लेखनीय है हड़प्पा के शहरी केंद्रों की योजना का, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, उल्लेखनीय है कि हड़प्पा के शहरों शहरी केंद्रों की योजना का अध्ययन करने पर वहां की नागरिक व्यवस्थाओं की देखरेख और विशाल जल निकास की व्यवस्था का पता चलता है। निकास के लिए प्रत्येक गली में नाली बनी हुई थी, तो बताया था कि घरों से नालियां निकलती थी और नाली एक बड़े नाले में जाती थी। गली में बनी यह नाली पूरे शहर नियोजन का एक भाग थी, गली में जो नाली बनी होती पूरे शहर का नियोजन मतलब बाहर एक बड़े नाले में जाती थी। घर अपने अपने ढंग से अलग अलग इस कार्य को नहीं कर सकते थे, मतलब हर घर के लिए अलग से ही कार्य नहीं किया जाता था कि एक नाली घर के लिए अलग नाली, दूसरे घर के लिए अलग नाली। अब एक घर की नाली क्या, सब घरों की दीवारों के पास नालियां होती थी और सब घरों की नालियों का पानी एक बड़े से नाले में जाता था। इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि प्रशासन द्वारा स्वयं सभी कार्यों को नियंत्रित किया जाता था तथा इनकी देखरेख का कार्य किया जाता था प्रशासन द्वारा। ऐसा लगता है कि शिल्प उत्पादन और विपणन का कार्य भी शासकों द्वारा नियंत्रित किया गया होगा। यही कारण था कि लोग उद्योग विशेष रूप से वजन कम करने वाले कच्चे माल और ईंधन के स्रोत स्थित थे और कुछ वहां स्थित थे जहां उनकी खपत सबसे अधिक थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में विशाल अन्नागारों का मिलना इसका प्रमाण है कि हड़प्पाई शहरों शासकों को सदैव प्रजाहित की चिंता रहती थी। जो अन्नागार मिले हैं ना, जो अन्न के जो वो मिले हैं, अन्न इकट्ठा करके सेव करके रखते थे, इससे पता चलता है कि जो हड़प्पाई जो शासक और राजा होते थे सदैव प्रजा के हित के बारे में चिंता करते थे। इसलिए अनाजों को विशाल अन्नागारों में सुरक्षित रख लिया जाता था ताकि किसी भावी आपात स्थिति में उनका प्रयोग किया जा सके। इससे पता चलता है कि राजा को चिंता होती होगी कि कोई भी मतलब आपदा ना आ जाए, अचानक से कोई भी प्राकृतिक रूप से कोई भी प्रॉब्लम ना आ जाए, तो लोगों के लिए अन्न का होना सेव रखना बहुत जरूरी है, इसे इकट्ठा करके रखते होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, 9 क्वेश्चन तक ही थे, 6, 7, 8, 9, तो 4 क्वेश्चन ही थे शायद इसमें, और ये 500 वर्ड के क्वेश्चन थे, बहुत ही बड़े बड़े और लेंथी थे। आपको ऐसे ही निबंध के तौर पर इसको लिखना है, बना बना के लिखना है। कुछ आपको टफ लगे होंगे तो वही बात नहीं, एक आधा पॉइंट आप मिस भी कर दे, स्किप भी कर दे तो चलेगा,
आप उसके जगह आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं, मतलब 500 वर्ड का लगभग 5 पेज का आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। तो पेपर में आपको इसी तरीके से करना है, मैंने आपको मिनिमम मैक्सिमम इसी तरीके से आपको 500 वर्ड के क्वेश्चन के आंसर बताए। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करना, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके और पेपर में आपकी तैयारी भी हो सके। साथ साथ करते जाओगे तो आपको ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए खत्म करते हैं आज के सेशन को। तो इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, आगे भी वीडियो में डालती रहती हूँ, एक दिन छोड़ के डालती हूँ, ज्यादातर एक दिन को छोड़ के ऐसा परसों डालूँ। तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।